मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको भी प्रॉब्लम है, मैं तो दूरबीन के लिए सजेस्ट करूंगी कि यहीं आए और यहीं करवाएं वो, क्योंकि मैं सीकेएस में भी जाके आ गई और एक नंबर जो मणिपाल है वहाँ भी जाके आ गई, पर मैं संतुष्ट नहीं हुई वहाँ पे। यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी संतुष्ट हुई हूँ। यहाँ दूरबीन हॉस्पिटल में आने के बाद मैं इसलिए संतुष्ट हुई क्योंकि यहाँ मैडम का बिहेव था, उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटी सी सर्जरी है, आप घबराओ मत। तो इससे मुझे काफ़ी मतलब ये लगा कि हाँ यार चलो अच्छा है, जो भी है अच्छा हुआ, जो भी है मैडम बहुत अच्छे हैं, यहाँ भी सारे स्टाफ भी बहुत अच्छा कि यहाँ दूरबीन हॉस्पिटल में आके मैडम से मिले तो काफ़ी हद तक वो डर, जो डर का भूत था वो भग गया। और उसके बाद में ऑपरेट का तो मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे क्या। आज हम बबीता जी के साथ में हैं, बबीता जी ने हमारे साथ एक सर्जरी करवाई है। क्या दिक्कत आ रही थी बबीता जी आपको? मैम मुझे काफ़ी दिनों से, 2 साल पहले मैंने एक टेस्ट करवाया था, उसमें एक फाइब्रोइड निकला, उसके बाद मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी इसमें, मेरे पैन भी होता था, बेहोश भी हो जाती थी मैं कभी कभी, तो मुझे ये लगता था कि शायद ऐसे ही हो जाते हैं, मुझे पता नहीं था इतना। फिर एक डर भी लगा रहता था कि इसका ऑपरेशन करवाएंगे कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि कई लोग बताते थे कि ऑपरेशन के बाद भी हम ऐसे दिक्कत होगी, वो कोई ख़त्म हो गए ये रे वगैरह वगैरह, तो बहुत भयंकर डर था एक मन में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सोच के करवाई नहीं कभी। पर आपके यहाँ दूरबीन हॉस्पिटल में आके मैडम से मिले तो काफ़ी हद तक वो डर, जो डर का भूत था वो भग गया। और उसके बाद में ऑपरेट का तो मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे क्या। बस आप ओटी में आए सीधे? हाँ जब आँख खुली 10-15 मिनट बाद में, तो मैं तो बेड पे थी आराम से, पता ही नहीं चला। सब अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ, मुझे नहीं लग रहा जो डर था वो। सर्जरी को 12 घंटे हुए हैं, हाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, पता ही नहीं चल रहा, जो डर था वो भी निकल गया, बीमारी थी वो भी निकल गई। अभी लग रहा है आपको कि आपकी इतनी बड़ी सर्जरी? नहीं नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल कम्फर्टेबल हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे, कोई पेन नहीं, नहीं किसी तरह का कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से चल, बिल्कुल जी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप बाकी सब इतना डरते हैं लोग सर्जरी कराने से, बिल्कुल उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बीमारियाँ अपने शरीर में, उनसे डरने के बजाय उसका इलाज करवाना चाहिए। और स्पेशली मैं तो, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको भी प्रॉब्लम है, मैं तो दूरबीन के लिए सजेस्ट करूंगी कि यहीं आएँ और यहीं करवाएं वो, क्योंकि मैं सीकेएस में भी जाके आ गई और एक नंबर जो मणिपाल है वहाँ भी जाके आ गई, पर मैं संतुष्ट नहीं हुई वहाँ पे। यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी संतुष्ट हुई। थैंक यू। ठीक है।